3-2 मूवी का ओपनिंग डे नेट कलेक्शन 64 करोड़ का था, जो कि बिग मूवीज लाइक पठान, टाइगर 3, सूर्यवंशी इन मूवीज से भी ज्यादा है। और ये तीनों की तरह मूवी अपने आप में एक बिग सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। और इसके अलावा 3-2 मूवी ने अपने पहले 5 दिनों में 240 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। एंड नो डाउट ये मूवी इस साल की बॉलीवुड की तरफ से हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी इजिली बन जाएगी। तो ये क्या मान लिया जाए कि मैडोक का जो सुपर नेचुरल यूनिवर्स है वो आम जनताओं को बड़े बड़े सुपर स्टार्स की मूवीज और उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स से भी ज्यादा एक्साइट कर रहा है? एंड क्या ये मैडोक का सुपर नेचुरल यूनिवर्स इंडिया की बाकी यूनिवर्स से भी ज्यादा बेटर है? एंड कैसे ये यूनिवर्स इंडिया की बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स को इजिली पीछे छोड़ देगा? एंड कैसे ये यूनिवर्स आने वाले टाइम में बॉक्स ऑफिस पे अपना अंदर डोमिनेशन दिखाएगी? जानते हैं इस वीडियो में। देखो 3-2 देख के तो ये चीज तो क्लियर होगी कि जो मैडोक का सुपर नेचुरल यूनिवर्स है वो बाकी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स लाइक स्पाइवर्स, अस्त्रावर्स या फिर कोप यूनिवर्स इससे काफी ज्यादा बेटर है। और हाँ, कमेंट पे हल्ला करने से पहले वीडियो को पूरा देख लेना, तुम भी शायद मेरी इस बात से एग्री कर जाओगे। लास्ट वार्निंग, अगर बात करें कि वो क्या चीज है जो कि इस यूनिवर्स को बेटर बनाती है, तो वो है इस यूनिवर्स की मूवीज की स्टोरीज जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेश और न्यू फील होती है। जैसे हमने स्त्री 1 में एक भूतनी की स्टोरी देखी, बट नॉट एनी ऑर्डिनरी भूतनी, अ भूतनी विद मकसद। वो अब्दुल वाला मकसद नहीं, एक दूसरा मकसद। अच्छा, और स्त्री 1 मूवी की प्लॉट और स्टोरी कितनी ज्यादा एंगेजिंग थी वो हम सभी को पता है। उसके बाद आती है भेड़िया मूवी जो कि वेयरवुल्फ वाले कॉन्सेप्ट पे बेस है। एंड आई डोंट थिंक इंडिया में किसी ने ऐसे कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाने का सोचा भी होगा। अगर किसी ने सोचा भी होगा तो उसने ये सोच के अपने पैर पीछे ले लिए होंगे कि जनता क्या गएगी, जनता तो मेरी इस मूवी को सीधा हॉलीवुड की मूवी से कंपेयर कर डालेगी और उसको कॉपी बोलेगी। लेकिन मैडोक वाले ने ये चीज नहीं सोचा। मैडोक वाले ने बाहर का कॉन्सेप्ट और अपना देसी मसाला लगा के जो माल बना के हमें दिया है ना, वो एक्चुअल में अच्छा था। उसके बाद आती है मुंजिया मूवी जो कि एक मुंजिया नाम के हाउसी राक्षस की थी जो कि एक मिल्फ लवर था। लेकिन जोक्स अपार्ट, मुंजिया की कॉन्सेप्ट, उसके प्लॉट और उसके एग्जीक्यूशन ने हमें काफी ज्यादा एंटरटेन भी किया। उसके बाद आती है 3-2 मूवी जो कि शायद एंड्रू टेट के बाप की स्टोरी थी। नहीं, सालों की सोच थोड़ी सी सिमिलर थी ना। स्त्री को औकात में रहना चाहिए, अपनी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। कहने को तो ये सारी मूवीज एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन इन सभी मूवीज की स्टोरी और इन सभी मूवीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अलग है और अपनी हर मूवी में यही यूनिकनेस और यही फ्रेशनेस स्पेशल बनाता है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को। तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना। तुम्हारे जस्ट वो 1 सेकंड के क्लिक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और अगर हम मैडोक सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंपेयर करते हैं इंडिया की बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स से, तो बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स वो एक फ्रेश एलिमेंट लैक करते हैं जो कि मैडोक सिनेमैटिक यूनिवर्स काफी अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। एग्जांपल के लिए हम स्पाई यूनिवर्स को उठाते हैं। स्पाई यूनिवर्स की हर मूवी में एक देशभक्त रो एजेंट होता है और उसके अपोजिट एक नालायक विलन होता है जो कि देशभक्त तो ऑफ कोर्स नहीं होता। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और बस उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के नक्शे को पूरी दुनिया से मिटा देना। और अपने हीरो का मकसद है कि उस नक्शे को ना मिटने देना। और लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, लफड़े होते हैं। और इसके अलावा ये हर बार विलन का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट करेक्शन पाकिस्तान से जरूर दिखा देते हैं। अरे लड़वाना है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग देश से भिड़वाओ, यानी क्या पाकिस्तान से हर बार भिड़ा देते हो? रशियन मशीन लाओ, मतलब रशियन गुंडे लाओ। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और रही बात कोप यूनिवर्स की, तो एक राज की बात बताता हूँ। राज मतलब मेरी बात नहीं। एक सीक्रेट बताता हूँ, इधर आओ, अरे थोड़ा और आओ। ये यूनिवर्स कोई यूनिवर्स नहीं है, ये साले हमको पेड़ा बना रहे हैं। खाओ माँ कसम। क्योंकि इस सो कॉल्ड यूनिवर्स की मूवीज में कनेक्शन के नाम पे बस कैमियो है, इसके अलावा कनेक्शन 0। और अगर मैडोक हॉरर यूनिवर्स की बात करें तो इन्होंने काफी लॉजिकल और काफी ग्राउंडेड वे में 3-2 को बाकी मूवीज से कनेक्ट किया है। पर इसी रीजन की वजह से आम जनता इस यूनिवर्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। और यही एक रीजन है कि 3-2 मूवी ऑलरेडी बड़ी बड़ी मूवीज के रिकॉर्ड मजाक में तोड़ रही है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स की बाकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस डोमिनेशन भी नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जैसे टैलेंटेड स्टार्स तो थे, लेकिन इस मूवी में कोई भी बड़ा A-list सुपरस्टार नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे में 55 करोड़ का बिजनेस किया और अगर प्रीव्यूज को इंक्लूड कर दे तो 64 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। और इसके साथ साथ प्रीव्यूज के मामले में इसने चेन्नई एक्सप्रेस का 11 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात यह है कि मूवी ने 55 करोड़ की ओपनिंग ली और बॉलीवुड में 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग बड़े बड़े मेल सुपरस्टार वाली मूवी ही ले पाती थी, जैसे कि SRK की पठान, जवान, आमिर की थग्स ऑफ हिंदुस्तान, रणवीर कपूर की एनिमल एक्सेट्रा। और ऐसा बॉलीवुड में पहली बार हुआ है कि किसी मूवी ने बिना किसी A-list सुपरस्टार के इन्वॉल्वमेंट के भी अपने फर्स्ट डे में इतनी बड़ी ओपनिंग ली है। ओपनिंग को छोड़ो, मूवी ने अपने पहले 5 दिन में 240 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है 330 करोड़। और जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे ये मूवी इंडिया में 300 करोड़ का नेट कलेक्शन तो इजिली कर ही लेगी और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ तो इजिली पार जाएगा और मूवी लाइफ टाइम 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन इजिली कर लेगी। और मैडोक हॉरर यूनिवर्स से 3-2 ऐसी
पहली मूवी नहीं है जिसने अपने सिर्फ कंटेंट के दम पे इतना बड़ा कलेक्शन किया। सबसे पहले स्त्रीवन मूवी आई जिसने सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे काफी अच्छा कलेक्शन किया। भेड़िया को छोड़ दे तो उसके बाद आती है मुंजिया मूवी जिसके मेन लीड अभय वर्मा की वो डेब्यू मूवी थी। उसके बावजूद भी उस मूवी ने 130 करोड़ का कलेक्शन किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे। और इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैडॉक हॉरर यूनिवर्स आम जनता के बीच में कितना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और स्त्री 2 के बाद तो इसकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे डेफिनेटली ही जाएगी। लेकिन किसी भी सही चल रही हुई चीज को बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो यहाँ पे काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है। अगर तुम लोगों ने स्त्री 2 ऑलरेडी देख लिया तो तुम्हें पता होगा कि कैसे इन्होंने इस मूवी से अपने अपकमिंग बिग प्रोजेक्ट को ऑलरेडी टीज कर दिया है। पहली मूवी ऑब्वियसली है स्त्री 3 जिसमें हमारे अक्की पाजी मेन विलन हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अक्की पाजी के उस कैरेक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी बने। क्योंकि तुम लोग भी शायद एग्री करोगे कि अक्की पाजी का वो कैरेक्टर काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। और इसके अलावा हॉरर कॉमेडी के देव मानुस हमारे अक्की पाजी तो है, तो इस यूनिवर्स में वो एक सोलो मूवी तो डिजर्व एटलीस्ट करते ही है। इसके अलावा भेड़िया 2 जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड है, लेकिन स्त्री 2 को देखकर हमें उस चीज का भी कंफर्मेशन मिल गया। और इसके अलावा इस यूनिवर्स की एक ब्रांड न्यू मूवी वैम्पायर्स ऑफ द विजयनगर को भी टीज कर दिया गया है। और शायद भेड़िया 2 और वैम्पायर की मूवी के बाद हमें शायद वैम्पायर्स वर्सेस भेड़िया की एक सेपरेट मूवी भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम सभी को पता है ये दोनों जीव एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और हालांकि वैम्पायर को भेड़िया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, लेकिन फुल मून की नाइट को भेड़िया एक ही बाइट में वैम्पायर को खत्म कर सकता है। बाकी मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि तुम लोग वैम्पायर वर्सेस भेड़िया या फिर टाइगर वर्सेस पठान किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बात चल रही है वैम्पायर मूवी की, तो वैम्पायर्स ऑफ द विजयनगर मूवी में हमें आयुष्मान खुराना मेन लीड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फीमेल लीड में हमें समानता देखने को मिलेगी। और अगर मेकर्स ने इस मूवी को भी बाकी मूवीज की तरह पुल ऑफ कर लिया तो लिटरली ये सिनेमैटिक यूनिवर्स हद से ज्यादा बड़ा और डोमिनेटिंग होने वाला है। मैडॉक हॉरर यूनिवर्स के अलावा अगर हम बात करें बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर की, लाइक स्पाई यूनिवर्स, तो वायरफ ने भी अपने काफी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस कर रखे हैं। लेकिन इनकी जो ऑलरेडी रिलीज्ड मूवी है उनको देखकर हमें इस यूनिवर्स के फ्यूचर का कुछ खासा हिंट नहीं मिलता। अभी तो बस इनकी हर मूवी में कैमियो खेला जा रहा है। और अगर वो 2 में भी बस कैमियो का खेला गया तो भूल जाओ इस यूनिवर्स को, ऐसा मत करो मेरी जान। और अगर बात करें कोप यूनिवर्स का तो कोई फ्यूचर नहीं उसका। आओ कमेंट में लड़ लो मुझसे, आओ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र की तो वो एक सीक्वल प्रोजेक्ट है, उसको हम एक प्रॉपर यूनिवर्स नहीं बोल सकते। एटलीस्ट तो तब तक नहीं बोल सकते जब तक शिवा शिवा पे ज्यादा फोकस ना करके बाकी कैरेक्टर पे भी थोड़ा फोकस करे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैडॉक का जो हॉरर यूनिवर्स है वो बाकी यूनिवर्स को ऐसे मूत में बहा देगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि वायरफ के पास सब कुछ है, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, इतना सारा पैसा, और मैडॉक वालों ने कम बजट में बिना किसी एलिस्ट सुपरस्टार के भी ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो वायरफ जैसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स से कांटे की टक्कर ले रहा है। मैडॉक वायरफ और धर्मा प्रोडक्शन में एक मेजर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस तुम्हें सिनेमा के ज्ञानी बाबा अनुराग कश्यप अच्छे से समझाएंगे। यह सिनेमा इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय दोस पीपल एंड दैट टू सेकंड जनरेशन, राइट? दे हैव नॉट लिव्ड लाइफ, सो द रेफरेंसिंग इज बेस्ड ऑन सिनेमा, सो व्हाट इज नॉट ऑन स्क्रीन कांट बी सिनेमा टू देम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वायरफ इज द ट्रायल रूम इफेक्ट। यू टेक अ स्टोरी एंड यू वांट टू मेक अ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आउट ऑफ इट, सो इट बिकम्स सन्स ऑफ हिंदुस्तान। यू टेक अ स्टोरी एंड यू वांट टू मेक मैड मैक्स फ्यूरी आउट ऑफ इट, इट बिकम्स शमशेरा। द थिंग इज यू नेवर मेक द ओरिजिनल रूट ऑफ द आईडिया इनटू द फिल्म, because that in your head that can't be cinema, okay, because not been made. So the first reaction is, yeah, this is so good, this can be like Mad Max Fury Road, let's make it like that, let's not spare any cost. तो जैसा कि अनुराग सर ने कहा कि जो वायरफ में काम करते हैं उनको बाहरी दुनिया का उतना नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो कल्चरली रूटेड स्टोरीज को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। और जब भी वायरफ वालों ने अपने इंडियन कल्चर या फिर कल्चरली रूटेड स्टोरीज पे काम किया है तो उसको कहीं ना कहीं उन्होंने हॉलीवुड जैसा बनाने का ट्राई किया है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम थग्स ऑफ हिंदुस्तान का, उस मूवी को एक अच्छा इंडियन पीरियड ड्रामा ना बनाकर उसको सस्ता पायरेट ऑफ द कैरेबियन बना डाला। और ऐसे ही वायरफ की बहुत सारी मूवीज हॉलीवुड मूवीज से काफी इंस्पायर्ड लगती है, और यहाँ पे इंस्पिरेशन लेना किसी भी एंगल से गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें मैडॉक प्रोडक्शन हाउस की तो उसको जो संभालते हैं वो लोग आते हैं इंडिया के छोटे बड़े शहरों से, उन्होंने करीब से देखा है और जाना है इंडिया की स्टोरीज को और इंडिया की कल्चर को, जो कि हॉरर मूवीज के अलावा भी काफी मूवीज में नजर आती है, जैसे कि जरा हट के जरा बच के या फिर लुका छुपी। और इसके अलावा भी इन्होंने काफी अच्छी अर्बन कॉमेडी भी बनाई है, जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी। और मैडॉक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहाँ पे उन्होंने ऑडियंस को एकदम फ्रेश और न्यू और नेवर सीन बिफोर कॉन्टेंट दिया, क्योंकि वेयरवुल्फ और वैम्पायर वाला कॉन्सेप्ट इंडियन सिनेमा के लिए काफी नया है। और अगर इसी चीज पे वायरफ वाले मूवी बनाते तो उसको डेफिनेटली हॉलीवुड जैसा दिखाने का पक्का ट्राई करते, लेकिन मैडॉक वालों ने इस फ्रेश कॉन्सेप्ट को एकदम देसी पन्ने से दिखाया। और यही एक डिफरेंस है मैडॉक हॉरर यूनिवर्स और इंडिया की बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो लोंडो तुम्हारे क्या थॉट्स है हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स पे, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं लिटरली पढ़ना चाहूंगा। और इसके अलावा अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। अगर तुम पसंद आ गई तो एक लाइक करके जरूर जाना, कंजूसी मत करना। और या अगर तुम चैनल पर नए हो और तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और स्क्रीन पे तुम्हें मेरी तो फेवरेट वीडियोस तो दिख ही रही होगी, उनको भी एक बार चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।